चलिए दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। ये सिविलाइजेशन इंडिया का अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको, और इसका रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप सिविल सर्विसेज में देख लो, स्टेट पीसीएस में देख लो, आप एसएससी में देख लो, आप बैंकिंग में देख लो, अगर जीएस में, जीके में, हिस्ट्री में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन हो गया, फिर आपको अशोकन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, इससे क्वेश्चंस बहुत सारी आती हैं। इसमें आपको करना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस का नाम हो गया, कुछ आपको क्या क्या पाया गया है, क्या क्या एसोसिएटेड है, वहाँ का स्पेशल फीचर्स हो गया, इकोनॉमिक लाइफ हो गया, सोशल लाइफ हो गया, आर्ट का वही है, क्या क्या पाया गया है, स्क्रिप्चर्स हो गया, ये सब पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग ये तमिलनाडु के एंशिएंट हिस्ट्री बुक से आज हरप्पन सिविलाइजेशन करने वाले हैं। है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ ही जाता है स्टेट और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से। ठीक है, तो इसका दो नाम है, पहला नाम हरप्पन सिविलाइजेशन, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन था ना, रिवर रावी, आप देख सकते हो, ये हरप्पा है, ये हरप्पा, ये मैप में आप देख सकते हैं जो बुक के राइट साइड में हरप्पा है, ये सिटी है, और ये रिवर रावी या रिवर रवि के आसपास बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा हो गया रिवर इंदस, मोहनजोदड़ो, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा टोटल इंदस वाली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंदस नदी के किनारे है, हरप्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रवि रवि के बगल में है ये। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। द अर्लिएस्ट एक्सकेवेशन इन द इंदस वैली वेयर डन एट हरप्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदड़ो इन सिंध। ठीक है, पहला जो था ना वो हरप्पा सिटी था, इसलिए हरप्पा नाम रखा गया है इसका। फर्स्ट सिटी टू एक्सकवेट वॉज हरप्पा, दैट्स वाई इट इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज नियर अराउंड द इंडस वैली रिवर। ठीक है, अब आइए आप कुछ कुछ नोट करते जाइए, पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। हु वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी वेन दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इसमें आप नाम लिख सकते हैं सर जॉन मार्शल, ये उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, अभी हरप्पा नाम किसने दिया है, हरप्पा नाम दिया है आपको दया राम साहनी, दया राम साहनी हरप्पा नाम दिया है। ठीक है, उसी तरह इंदस नाम किसने दिया है, वो छोड़िए कोई बात नहीं, हरप्पा नाम इन्होंने दिया, दयाराम साहनी, वो मतलब आप 1971 में एक्सकवेटर थे, मतलब जो आदमी मेन उसका हेड था काम करने वाला। ठीक है, तो आपको दो चीज याद रखना है, सर जॉन मार्शल उस वक्त डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और दूसरा दयाराम साहनी जिन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन नाम दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स। आपको मैंने पहले बताया क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज ऑल्सो इट हैज कम टू बी कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है, ये हो गया आपको, देखिए कुछ भी इंडिया का मैप है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी नदी आप देख सकते हो, इंदस नदी हो गया, रावी नदी हो गया, झेलम हो गया, मैंने आपको पहले कहा था अर्लीस्ट सिविलाइजेशन वेयर अराउंड द रिवर्स बिकॉज पीपल यूज टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, पीपल यूज टू गेट फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो इस एरिया में सेटलमेंट ज्यादा हुआ, इस कारण से हरप्पन सिविलाइजेशन इस एरिया में ज्यादा फ्लरिश किया। ठीक है, तो पॉपुलर साइट्स में आप जान सकते हो नॉर्थ वेस्ट ही एरिया होगा, देखिए नॉर्थ वेस्ट एरिया होगा, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया ही हो गया आपका मेन, हरप्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, चनुदारो हो गया, आपको सुरकोट्टा हो गया। ठीक है, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको याद रखना है, मैं इसको अब से अच्छे से आपको करवा रहा हूँ, अब कोई टेंशन का बात नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम साइट्स अभी है ना वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और स्पेशली ये दोनों को साइट मोहनजोदारो और हड़प्पा बोथ प्लेसेस आर इन
बोथ प्लेसेस आर इन पाकिस्तान। अब इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग करते हैं। यहां से देखिए आप, कालीमंगन इन राजस्थान, रूपर इन पंजाब, बनावाली इन हरियाणा, लोथल, सुरकोटा एंड धोलावीरा, ऑल इन थ्री इन गुजरात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। देखिए कालीमंगन इन राजस्थान, रोपर इन पंजाब, बनवाली इन हरियाणा, लोथल ये हो गया, इतना ही गुजरात, मोहनजोदड़ो इज लार्जेस्ट साइट, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, अब हड़प्पा को भी आपसे कोई भी सिविलाइजेशन है वो एक बार में डेवलप नहीं होता है, मेच्योर नहीं होता है, वो धीरे धीरे मेच्योर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हड़प्पा का तीन कल्चर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का तीन कल्चर है, तीन स्टेजेज है। पहला हो गया प्री हड़प्पन स्टेज, दूसरा हो गया अर्ली हड़प्पन स्टेज, तीसरा हो गया मैच्योर हड़प्पन स्टेज। प्री हड़प्पन स्टेज आप देखो, हो गया नियोलिथिक आया, उसके बाद चैल्कोलिथिक आया, उसके बाद का स्टेज था। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं बालूचिस्तान के एरिया में। ये देखिए प्री हड़प्पन स्टेज इज लोकेटेड इन ईस्टर्न बालूचिस्तान। ठीक है, वहां पे नोमैडिक पीपल है, जस्ट बिगेन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अर्ली हरप्पन स्टेज, लार्ज पीपल मतलब पहले प्री था जहां पे घूमता था लोग, फिर धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। अर्ली हरप्पन स्टेज में गांव आ गया था, लार्ज विलेज इन द प्लेन। ठीक है, मैच्योर हरप्पन स्टेज में सिटीज आ गया था। ठीक है, तो पहले विलेज आया, पहले इंसान सेटल किया, फिर विलेज आया, फिर सिटी आ गया, फिर लेट में आपको फिर देख सकते हो आपको बहुत सारा आया, ट्रेड व्रेड स्टेब्लिश हो गया, ट्रेड बिटवीन हरप्पन एंड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कल्चर इंडिया का एक पैरेलल कल्चर था, जो आप देख सकते हो ये इंडिया है, मैं नीचे मैप बना दे रहा हूँ, ये हो गया इंडिया है, ऐसे ऐसे ये हो गया सेंट्रल एशिया। इस एरिया में आप मेसोपोटामियन कल्चर एग्जिस्ट करता था उस वक्त, इस दोनों में पैरेलल, ये इंडस हो गया, ये मेसोपोटामिया, तो इसमें ट्रेड का बहुत सारी चीज आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ट्रांसफर हम लोग को होता था, कल्चर ट्रांसफर हो गया। ठीक, चलिए अच्छा मैं आपको बताया था ना, सर जॉन मार्शल एस्टिमेटेड मोहनजोदड़ो ड्यूरेशन ऑफ द ऑक्यूपेशन बिटवीन 3250 एंड 2750 BC। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ कुछ सेलेंट फीचर करते हैं इसका। सेलेंट फीचर में आप देख सकते हो कि पहला तो हो गया टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग आज आप देखते होगे जो सिटीज है, ये सिटीज है हैपजर्ड, हैपजर्ड मतलब विदाउट प्लानिंग। आप देखते होगे गांव के आसपास में ये घर है, ये रोड है, ये घर ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, ये पहले से घर बना है, बीच से रोड काट दिए, तो कोई प्लानिंग नहीं था। बट अब उस समय 3250 BC के वक्त अगर कोई प्लान किया हुआ चीज है, तो आप सोच सकते हो कितना वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रहा होगा अपने टाइम में। ठीक है, तो टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सिटी दो पार्ट में डिवाइड था, उसको बोलते थे, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ आप सुनते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। चलिए मैं पहले इससे बता देता हूँ। ठीक है, हरप्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है, दिस स्ट्रीट एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, दस डिवाइडिंग द सिटी इंटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि ये रोड है, मेन रोड है, समझिए हाईवे, उसके बाद अंदर से एक छोटा छोटा रोड जा रहा है ऐसे ऐसे, फिर ये हाईवे। ठीक है, और ये अंदर में सब रोड हो गया ऐसे करके, इधर घर था। ठीक है, ये हो गया मेन रोड, तो उस समय ऐसे 90 डिग्री पे पाया गया, मतलब रोड है, लेन है, और अंदर में जाके आपको कॉलोनीज है जैसे घर होते हैं, तो ये प्लानिंग का पार्ट था। दूसरा हो गया, पहला ये पिक्चर हो गया कि ग्रिड सिस्टम था, रोड ऑलमोस्ट कट एट राइट एंगल। दूसरा था कि सीटाडल, हाइपोनियम, सीटाडल हो गया। देखिए कोई भी शहर में दो इलाके होते हैं, एक जहां पे प्रॉपर सेटलमेंट होता है, जहां कुछ रिच पीपल रहते हैं, और एक हो गया जहां पे आपको रूरल बैकग्राउंड हो गया, गरीब पीपल रहते हैं। तो मोहनजोदारो और हड़प्पन कल्चर में पाया गया था दो टाइप का, आपको द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन वॉज सिटाडल एंड अदर वॉज लोअर टाउन। ठीक है, अपर टाउन वेयर बिल्ट ऑन रेस्ट प्लेटफॉर्म, वेयर इलाइट क्लास वेयर लिविंग देयर, एंड लोअर टाउन वेयर
कॉमन पीपल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये रेस्ट है, यहां पर रिच लोग रहते थे, ये नॉर्मल इधर पीपल रहते थे। और वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर वॉज दैट लार्ज स्केल ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स। मतलब वहां पे बर्न्ड ब्रिक्स, जो ईटा था ना, पका हुआ ईटा जो आज मिलता है, उस टाइप का ईटा पाया गया था। तो आप समझ सकते हो कितना आपका कल्चर एडवांस था। पब्लिक बाथ, ये देखिए फिगर में ग्रेट बाथ दिख रहा है, ये पब्लिक बाथ था, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जहां पे आप देख सकते हो कपड़ा चेंज करने वाला चेंजिंग रूम था, क्लोथ चेंजिंग रूम्स थे, पब्लिक लोग स्नान कर सकता था, तो एक फेस्टिवल टाइप का भी आप कह सकते हो, तो वाटर भी आसपास से आता था, प्रॉपर प्लानिंग था, ठीक है। और कुछ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर बता देता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वॉज देयर, मतलब रोड के नीचे से ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है और बीच बीच में मेंटेनेंस करने के लिए मेन होल, ऐसे बना हुआ रहता था वहां पे, पब्लिक लोग उसी में पानी गिराते थे जो वेस्ट था, तो हाइजीन और हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता। ग्रेट बात में बता ही दिया, ठीक है। तो मेन मेन इसका स्ट्राइकिंग फीचर यही था कि टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ठीक है। रोड आपको जो था ना, वो आपको प्रॉपर राइट एंगल पे बना हुआ था, मेन रोड पे किसी का एंट्रेंस नहीं था, आपको हाईवे था, ठीक है। आपको ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है, ग्रेट बात पाया गया, तो दिखाता है कितना एडवांस कल्चर था उसका। आइए इकोनॉमिक लाइफ हम लोग अब देखते हैं इसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का। देखिए पहले तो पीपल लोग मूव करते थे और घूम घूम के स्लैश एंड बर्न, मतलब वही हो गया, आपको अनसेटल्ड रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेटलमेंट स्टार्ट हुआ तो एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्री आया, फिर क्राफ्ट एंड ट्रेड आया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्राफ्ट एंड ट्रेड। तो वीट एंड बार्ली वेर द मेन क्रॉप ग्रोन बिसाइड सीसम मस्टर्ड एंड कॉटन। सरप्लस ग्रेन इज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। आप समझ सकते हो घर पे जो हम लोग के होता है, जहां पे हम लोग अनाज स्टोर करते हैं, वो उस टाइम में भी था। ये इससे पता लगता है कि सरप्लस ग्रेन वहां पे रखा जाता था। एनिमल्स लाइक सिप गोट एंड बफेलो वे डोमेस्टिकेटेड। द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फर्मली एस्टेब्लिश। याद रखिएगा घोड़े का यूज हम लोग को नहीं पता है उस बारे में, ठीक है। पॉटरी आपको देखिए, स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ आर्टिसन इंक्लूड्स गोल्ड स्मिथ्स, ब्रिक मेकर, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चर, इतने टाइप का प्रोफेशन आ चुका था। ब्रॉन्ज एंड सिल्वर तो था ही, ठीक है। और जो आपको पॉटरी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि पॉटरी जो था, जहां पे इसमें हम लोग खाना बना सकते हैं, अनाज रख सकते हैं, वो अब पेंटेड आ गया। पहले बहुत रॉ था, अब पेंटेड और पॉलिश आने लगा। उसके बाद ये तो हो गया, अब इंटरनल ट्रेड भी होने लगा था पब्लिक में, अब एक्सटर्नल ट्रेड भी हम लोग पाया गया। उसका फॉरेन ट्रेड वाज मेनली कंडक्टेड विथ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। इससे पता लगता है हम लोग ट्रेड करते थे। सोशल लाइफ के बारे में मैं आपको बताता हूं। सोशल लाइफ में विमेन का स्टेटस, ड्रेस ऑफ द बोथ मेन एंड वुमेन कंसीडर्ड ऑफ टू पीसेस ऑफ क्लोथ, वन अपर गारमेंट एंड अदर लोअर गारमेंट, ठीक है। बैंगल्स हो गया, एंकलेट हो गया, ब्रासलेट हो गया, इयर रिंग हो गया, सब यूज हुआ करता था, ठीक है। नीडल्स हो गया, फिशिंग वॉज मेनली ऑक्यूपेशन वाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वॉज ऑल्सो देयर हो गया, ठीक है। तो मतलब ऑक्यूपेशन में भी एडवांस हो गया था, स्टेटस ऑफ वुमेन भी काफी आप देख सकते हो वो था, ज्वेलरी यूज करना, ये सब हुआ करता था। आर्ट का बात करें, आर्ट तो आप समझ सकते हो जो ग्रेट बात देख के कि कितना एडवांस लोगों का आर्ट एंड कल्चर था, ठीक है। तो अरप्पन स्कल्पचर रिवील्ड हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप, फिगर्स ऑफ मेन एंड वुमेन, एनिमल्स एंड बर्ड मेड ऑफ टेराकोटा एंड द कार्विंग ऑन द सील्स शो द डिग्री ऑफ प्रोफेंसी अटेंड बाय द स्कल्पचर। द फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। देखिए फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, पेंटेड पॉटरी इज ऑफ बेटर क्वालिटी,
प्रिंटेड पोट्री आ गया था, ठीक है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बारे में इनका हमको मिला है, स्क्रिप्ट मिल चुका है हमें, बट अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो मेनली स्क्रिप्ट मोस्टली रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पाया गया है, बस इतना आप जान सकते हैं, ज्यादा जानने नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। रिलीजन, अब देखिए पशुपति जो है ना शिवा, उनका योगिक पोस्चर में हमको वो मिला है, मूर्ति टाइप का मिला है, आप समझिए, ठीक है। लिंग वर्शिप वॉज प्रेवलेंट, मदर गॉडेसेस का हुआ करता था। फिर बड़ियल मेथड था, मतलब इंसान मरने के बाद उसको कॉफिन में डाला जाता था, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हाँ रिलीजियस तो था, बड़ियल मेथड आपको मिला गया, ठीक है। अब आते हैं हम डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर, हरप्पन कल्चर डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में दो तीन थ्योरी है। पहला तो थ्योरी ये है कि अच्छा हरप्पा के बाद जो आया था वो था आर्यन, जो आए थे इंडिया वो आर्यन से, तो सब कहता है तो आर्यन आए और हरप्पन सिविलाइजेशन को अटैक करके खत्म कर दिया। दूसरा थ्योरी ये कहा जाता है कि बहुत ठंड पड़ा तो इसलिए सब कोई मर गया और ये सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया। बट मोस्टली एक्सेप्टेड क्या है ना, आपको थ्योरी जो आजकल मानते हैं कि देर वॉज टेक्टोनिक फैक्टर, मतलब अर्थक्वेक आया, फेमिन पड़ा और धीरे धीरे आर्यंस भी आए जो एसिमिलेट कर गए, ठीक है। इस कारण से सी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, धीरे 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 विलुप्त हुई। पहले सरस्वती नदी था, वो सरस्वती नदी रहा नहीं, इस कारण से पानी का आया आपको, धीरे धीरे फैमिन पड़ा, इस कारण से धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। बट पीपल मरे नहीं थे, पीपल लोग थे, स्टिल कंटिन्यू, सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड इट वॉज टेकन ओवर बाई द न्यू आर्यन पीपल्स, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, आपको मैंने टाउन आर्किटेक्चर बता दिया, ठीक है। अब मैं दो चार आपको स्पेशल फीचर बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है, आप उसको नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला फीचर ये है कि हरप्पा जो साइट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं साइट के बारे में थोड़ा बताऊंगा साइड में, ठीक है। साइट्स, पहला हरप्पा, वहां पे हम लोग को ग्रीनरीज मिला है जहां पे अनाज स्टोर करते थे, ठीक है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में हम लोग को ग्रेट बाथ मिला है, मेन ये डायरेक्ट आपको पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको लोथल, लोथल गुजरात में है, आप ये याद रखिए कहाँ पे है, यहाँ पे डॉक यार्ड मिला है, डॉक यार्ड जहाँ पे सिप लोग आके रेस्ट करता है और वहां से फिर घूम के जाता है, ठीक है। अब ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा में आपको वाटर हार्वेस्टिंग, एक तो स्टेडियम मिला है, दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, ठीक है। सुरकोटा, यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिला है। हम लोग, आपको मैंने बताया था कि हॉर्स के बारे में जिक्र नहीं है, बट एक ही लोकेशन है जहाँ पे हॉर्स के बारे में बोन्स मिला है, वो सुरकोटा था, ठीक है। तो हरप्पा, ग्रीनरीज, मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ, लोथल, डॉकयार्ड, धोलावीरा, स्टेडियम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सुरकोटा, बोन्स ऑफ हॉर्स, मतलब ये लोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये चीज कहाँ पाया गया है या ये लोकेशन कौन से स्टेट में है आज, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको तो पहले बता दिया था यहाँ पे इस किताब में कि ये देखिए इकोनॉमिक सिस्टम में कि वीट और बार्ली मेन पाया जाता था, हॉर्सेस पाए नहीं गए हैं, ठीक है। लोथल हो गया, एंशियन पोर्ट हो गया, ये आपको बहुत, डॉकयार्ड हो गया, ये इसको पोर्ट लिख लीजिए, पोर्ट, ये लोथल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है। बस आप हड़प्पा में इतना ही जानना है,
बाकी कुछ होगा तो उसका एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हरप्पन कल्चर में क्या हो गया, आपने क्या पढ़ा? पहला, ये किधर था, कौन से एरिया में था कल्चर, ठीक है। इसका दो नाम था, है मोहनजोदारो स्पेशली और हरप्पन कल्चर, ठीक है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया, कालीबंगन, रोपर, पनावली, लोथल, ये सब हो गया। फिर तीन चार स्टेज में आया ये, ठीक है। फिर इसका स्ट्राइकिंग फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाउन प्लानिंग कैसे था, रोड कैसे था, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, पीपल लोग कैसे रहते थे, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, पीपल लोग करते क्या थे, फिर सोशल लाइफ में क्या क्या चीज़ करते थे, फिर आर्ट मैंने बताया आपको, फिर स्क्रिप्चर्स बताया जो डिसिफर्ड नहीं हुआ है, रिलीजन तो था ही उनमें, शक्ति शिवा हो गया, पशुपति महादेव हो गया, योनि वर्शिप होता था, शिव शक्ति का वर्शिप होता था, फिर कैसे कैसे डिक्लाइन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैदिक कल्चर करेंगे, जो मेन आपको यहाँ से स्टार्ट होते चला जाएगा, थोड़ा डीप हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, बट हम लोग आराम से करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी मैं क्लास में भी ऑफलाइन कराऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए फ्रेंड, चलो, थैंक यू, बाय बाय।